मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम दो लड़कियों को देखते हैं, टिल्डा और पेट्यूला को। ये दोनों एक रूम में बैठकर ड्रग्स और कई नशीले पदार्थों के पैकेट्स बना रही हैं और पैसों के हिसाब लगा रही हैं। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पुलिस आ जाती है, जिससे टिल्डा और पेट्यूला को वो पैकेट्स वहीं छोड़कर पीछे के रास्ते से भागना पड़ता है। टिल्डा और पेट्यूला को ना पाकर पुलिस ने उनके वॉन्टेड के पोस्टर्स हर जगह लगवा दिए थे। और यहाँ दूसरी तरफ टिल्डा और पेट्यूला परेशान है, क्योंकि उन्हें छुपकर भी रहना है और जो पैसों का नुकसान हुआ है ड्रग्स पे वो अलग। फिर ये दोनों गर्ल्स एक प्लान बनाती हैं कि वो अपने बचपन की फ्रेंड डेफनी के पास जाएंगी। वैसे तो इनका बिल्कुल मन नहीं है उसके पास जाने का, बट उन्हें ऐसा करना पड़ेगा पैसों के लिए। दरअसल जो इनकी वो फ्रेंड है डेफनी, वो एक बेहद अमीर है। उसे कमाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पास पुश्तैनी जायदाद बहुत है। उसकी बहुत बड़ी हवेली है जिसमें वो अकेली रहती है। टिल्डा और पेट्यूला उसके पास जाने से इसलिए घबरा रही है, क्योंकि बचपन में जब ये तीनों एक साथ घर घर खेला करती थी तो डेफनी हमेशा मॉम बनती थी टिल्डा की और पेट्यूला एक मेल डॉक्टर बनती थी, बट टिल्डा हमेशा चिल्ड्रन बनती थी। इसलिए उसे एक दिन बचपन में गुस्सा आ जाता है और वो डेफनी को ट्री हाउस से नीचे गिरा देती है। और तभी से डेफनी मेंटली इल हो गई सर पे चोट लगने से, और वो तभी से सच में अपने आप को मम्मी और टिल्डा को अपनी बेटी समझती है और पेट्यूला को एक डॉक्टर, और वो गेम अभी तक खेल रही है। इसलिए अगर टिल्डा और पेट्यूला वहां जाएंगी तो उन्हें वैसा ही गेटअप और बिहेव करना पड़ेगा। तो अब मूवी पे आते हैं। अब ये दोनों गर्ल्स डेफनी के हवेली जाने के लिए ट्रेन में बैठती हैं, बट इन्होंने टिकट नहीं ले रखी। इसलिए जब टीटी आता है तो पेट्यूला उसे वॉशरूम में लेकर जाती है, जिससे वो टिकट ना मांगे और ऐसे ही ट्रेन में जाने दे। फिर फाइनली ये दोनों उस जगह पहुंच जाती है जहां इनकी फ्रेंड डेफनी की हवेली है। बट यहां से डेफनी के पास जाने तक इन्हें एक गाड़ी से जाना पड़ता है। तो वो गाड़ी में बैठकर जाती हैं और गाड़ी में ही अपने अपने रोल वाले कपड़े पहनती हैं। टिल्डा एक बच्चे की ड्रेस पहनती है और पेट्यूला एक डॉक्टर का। इनका मेन मोटिव है वहां जाके पुलिस से छुपकर रहना और डेफनी के पैसे चुराना। अब पहले टिल्डा हवेली के अंदर पहुंचती है डेफनी की बेटी बनकर। टिल्डा जैसे ही अंदर पहुंचती है, डेफनी जो कि घर घर का गेम खेलती है अभी भी, तो वो एक मम्मी की तरह फटाफट लंच रेडी करके अपनी बेटी को देती है, यानी कि टिल्डा को। गाइज, और आज की डेट है 8 अगस्त, और इस डेट को याद रखना आगे के लिए। एनीवेज, अब पेट्यूला की बारी है। वो अब डोरबेल बजाती है तो डेफनी जाकर डॉक्टर का वेलकम करती है, यानी कि पेट्यूला का वेलकम करती है। गाइज, अब मैं इन तीनों को इनके खेलने वाले कैरेक्टर के नाम से बोलूंगी, यानी कि डॉक्टर, चाइल्ड और मम्मी। जैसे ही डॉक्टर अंदर आता है वो चाइल्ड का चेकअप करता है एक छोटे से हथौड़े टाइप टूल से उसके घुटने पर मारकर। पर मम्मी कहती है, डॉक्टर आप सही से चेकअप नहीं कर रहे। गाइज, मैं आपको यहाँ बता दूं कि डेफनी ने इस गेम के 3 रूल बना रखे हैं। पहला, गेम के सभी प्लेयर्स को खेलना पड़ेगा। दूसरा, कोई बाहरी व्यक्ति गेम में नहीं आएगा। तीसरा, कोई गेम छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इसलिए जब डॉक्टर घुटने पे मार रहा था तब मम्मी को गुस्सा आ रहा था। फिर डॉक्टर एक बड़े हथौड़े से रियलिटी में ही जोर से एक मारती है चाइल्ड के घुटने पर, जिससे चाइल्ड को बहुत दर्द होता है। फिर मम्मी चाइल्ड को रस्सी से बांध देती है, क्योंकि चाइल्ड ने रूल नंबर 1 तोड़ा था। अब मम्मी डॉक्टर को उनका रूम दिखाती है रात को सोने के लिए। बट अब रात में डॉक्टर जो कि यहाँ पैसे चुराने आई है वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही है, बट मम्मी डॉक्टर को देख लेती है। वो डॉक्टर को देखकर उससे क्लोज आने की कोशिश करती है, क्योंकि मम्मी यानी कि डेफनी वो तो मेंटली इल है। उसे सच में ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर एक आदमी है। तो वो डॉक्टर से यानी कि पेट्यूला से इंटीमेट होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर पैसे नहीं ढूंढ पाती। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर चाइल्ड को ये सब बताकर बहुत हंस रही थी कि कैसे डेफनी रात में उससे इंटीमेट हो रही थी। फिर हम मम्मी को देखते हैं जो कि अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि रात में डॉक्टर से इंटीमेट होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। इधर हम देखते हैं कि चाइल्ड और डॉक्टर जो कि अब अपनी असली वाले रूप में आकर यानी कि टिल्डा और पेट्यूला बनकर नशा कर रहे हैं, जिससे उन्हें सब कुछ कलरफुल लग रहा है। फिर तभी पेट्यूला एक गाड़ी से टिल्डा को लेके भागने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो ये डॉक्टर वाली गेम से परेशान हो गई है। बट तभी मम्मी आती है, वो इन दोनों को एक बैट से मारकर बेहोश कर देती है और फिर बांधकर उन्हीं के पास
बैठती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी और डॉक्टर को बहुत प्यार करती हूँ और तुम दोनों को यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खराब और जालिम है। इससे इन दोनों को इसलिए बांधा होता है क्योंकि इन्होंने रूल तोड़ा था कि कोई गेम छोड़कर नहीं जाएगा। इधर डिटेक्टिव्स इन दोनों वांटेड को ढूंढ रहे हैं, टिल्डा और पेट्यूला को। तभी डिटेक्टिव को कॉल आती है जो कि डेफनी के पड़ोसी ने की थी, कि डेफनी के घर से बहुत आवाजें आती कुछ दिनों से। इसलिए डिटेक्टिव डेफनी के घर चेक करने जाते हैं, बट डेफनी उससे कहती है पहले सर्च वारंट लाओ, तभी मैं तुम्हें सर्च करने की परमिशन दूंगी। इसलिए डिटेक्टिव वहां से चला जाता है, बट वो जानता है कि ये तीनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, इसलिए हो ना हो इसने ही उन दोनों को छुपा रखा होगा। इसलिए जाते जाते वो कह जाता है कि तुम उन दोनों से बच के रहना, वो यहाँ भी किसी मकसद से ही आएंगी। अब डेफनी समझ जाती है कि वो दोनों यहाँ क्यों आई है, क्योंकि उन्हें उसके पैसे चाहिए। इसलिए डिनर टाइम पे मम्मी बनकर ही डॉक्टर को एक पहेली देती है जिसमें तिजोरी का पता होगा। फिर बड़ी मशक्कत से वो डॉक्टर उस पहेली को सॉल्व कर लेती है और पैसे लेकर रात के टाइम चाइल्ड यानी कि टिल्डा को लेकर रोड पे लिफ्ट लेने खड़ी होती है कि अब हम यहाँ से भागकर एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। बट जैसा कि रूल है कि कोई गेम छोड़कर नहीं जाएगा, तो डेफनी एक गाड़ी से उनको टक्कर मार देती है और वापस घर ले आती है। अब डेफनी ने अपने चाइल्ड यानी कि टिल्डा को एक पिंजरे में बंद कर रखा है और डॉक्टर यानी कि पेट्यूला को एक व्हीलचेयर पर बांध रखा है। फिर डेफनी ने टिल्डा के आंखों के नीचे चाकू से निशान बनाए और पेट्यूला के होठों के दोनों कोनों पर, जिससे अब पेट्यूला को बहुत गुस्सा आ रहा है और अब वो बदला लेना चाहती है। इसलिए वो अब गेम को अपने तरीके से खेलती है। वो डेफनी से कहती है कि प्रेगनेंसी के लिए तुम्हारा एक ऑपरेशन करना होगा, तो डेफनी तुरंत मान जाती है क्योंकि वो तो समझ ही रही है कि वो प्रेग्नेंट है। और वहां दूसरी तरफ डिटेक्टिव भी इन्हीं की हवेली में एंटर होकर छानबीन कर रहा था। टिल्डा और पेट्यूला दोनों ने ही डेफनी को लिटा रखा होता है। वो दोनों डेफनी को ऑपरेशन के बहाने मारने वाली होती है, पर तभी एंड टाइम पर डिटेक्टिव वहां आ जाता है और वो उन दोनों को रोक कर हाथ ऊपर करने को कहता है, पर इतने देरी में डेफनी उठकर डिटेक्टिव को जख्मी कर देती है। फिर टिल्डा भी डिटेक्टिव को खूब मारती है। टिल्डा और डेफनी दोनों ने ही पागलों की तरह डिटेक्टिव के टुकड़े टुकड़े कर दिए होते हैं। फिर वो दोनों पेट्यूला को भी कहती है, पेट्यूला ना चाहते हुए भी डिटेक्टिव को मारती है। फिर ये तीनों अपनी हवेली के पीछे डिटेक्टिव को गाड़ देते हैं और डिटेक्टिव की गाड़ी को भी पानी में डुबो देती है। अब डेफनी के साथ साथ टिल्डा और पेट्यूला ने भी अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो दोनों अब अपने आप को सच में डॉक्टर और चाइल्ड समझने लगी थी। टिल्डा बच्चों की तरह बिहेव करती है, जैसे बच्चे अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, और पेट्यूला भी अपने आप को अब लड़का समझ रही है, इसलिए वो शेविंग भी करती है जिससे उसका काफी खून भी बहता है, बट इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर अब ये तीनों अब मजे से रह रही है, बट अब पेट्यूला को डिटेक्टिव दिखता है, फिर वो डर जाती है। इसलिए वो डर के वो जगह खोदने जाती है जहाँ उन्होंने उसे गाड़ा था, बट उस जगह किसी को भी लाश नहीं मिलती। वो काफी परेशान होकर इधर उधर भागने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने होश में नहीं है, और तभी उसे एक डायरी मिलती है। जब वो डायरी पढ़ती है तो उसमें वो सारे इंसिडेंट्स लिखे होते हैं जो अब तक उनके साथ हुए। गाइस, यही एक प्लॉट ट्विस्टिंग है कि जो भी अब तक मूवी में हम देख रहे थे, ये सब सिर्फ पेट्यूला इमेजिन कर रही थी। ये तीनों कभी ये जगह छोड़कर गई ही नहीं, और हमेशा से ही ये घर घर वाला खेल खेल रही हैं। एनीवेज, फिर डेफनी आती है और वो पेट्यूला को बताती है कि यस, हम लोग तो खेल रहे हैं ना, और वो ये भी बताती है कि तुमने कई बार गेम छोड़कर जाने की भी कोशिश की, तब तब हमने तुम्हें हाथ पे जलाकर पनिश भी किया। फिर पेट्यूला अपने हाथ देखती है जिसपे कई सारे कट्स बने हुए थे, फिर भी उसे यकीन नहीं आता और वो टिल्डा से कन्फर्म करती है, और टिल्डा भी उसे यही बताती है कि यही सच है। फिर वो उसे उस डेट के पास जाने को कहती है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, और वो डेट वाली प्लेट पे सिर्फ 8 अगस्त की ही डेट्स होती हैं, जिससे उसे अब कंफर्म हो जाता है कि ये सिर्फ उसके दिमाग की इमेजिनेशन है। गाइस, फिर हम मूवी में इनके द्वारा खेले जाने वाले टॉयज देखते हैं, जिसमें ट्रेन, 3 गुड़िया और एक पुलिस की गाड़ी है, और इससे साफ जाहिर होता है कि पेट्यूला ने इन टॉयज को देखकर ही इमेजिन किया होगा कि हम ट्रेन से भागते हैं और 3 गुड़िया यही तीनों गर्ल्स हैं, और पुलिस की गाड़ी मतलब वही डिटेक्टिव है।
गाइस फिर अब जब इनकी गेम पूरी हो गई तब ये तीनों मरने का नाटक करती हैं ताकि ये गेम दोबारा से स्टार्ट कर सके। फिर हम मूवी के लास्ट सीन में दोबारा डेफनी को देखते हैं जो कि बूढ़ी हो चुकी है और टिल्डा की आवाज आती है कि मम्मी मैं घर आ चुकी हूँ और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस अब मूवी के कुछ डाउट्स आते हैं जैसे कि ये तीनों बचपन से ही ये गेम क्यों खेल रही है और जिसमें टिल्डा हमेशा बच्ची बनती है और डेफनी मम्मी बनती है और पेट्यूला डॉक्टर। और मूवी में हमने जो कुछ भी देखा वो केवल पेट्यूला की इमेजिनेशन थी क्योंकि ये तीनों ये जगह छोड़कर कभी गई ही नहीं, ये बुढ़ापे तक बस यही गेम खेलती रही। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मूवी ब्रेड। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू एंड बाय बाय।